अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे बच्चों, ये केमिस्ट्री का पेपर है 2024 का, जो अभी 29 तारीख के दिन हुआ था, फरवरी में। इसका जो है मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो है फिलअप का वर्ड आंसर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग दिखा रही हूँ कि देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था इसका जो ये आंसर मैंने निशान लगाया है ये बिल्कुल सही है, प्रॉपर आंसर है। 8 का देखिए बी आएगा, ठीक है, और जो 7 है 7 का डी आएगा, क्योंकि ये बच्चों का पेपर था तो दो फिलअप उन लोगों ने रॉन्ग कर दिया था, तो फिलहाल मैंने फिर उसको सही कर दिया है। तो आप लोगों को देखिए, ये जो मैंने बराबर सही किया है, टिक मार्क करवाया है, वही चीज़ क्या है, वो करेक्ट है, राइट है। और मैंने आप लोगों को सवाल नंबर 2 में वन वर्ड क्वेश्चन के लिए जो भी आंसर दिया था, देखिए सारी चीज़ें आई है उसके अंदर से, 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछा है, 8 में से 3। और इसके अंदर देखिए, मैंने आप लोगों को ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, हम तपिश वाला, ठीक है। और इस ये जो ये वाला क्वेश्चन है, ये जो लास्ट टाइम था हमारा 2023 का जो पेपर था, उसके अंदर से हमको 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा है। लेकिन केमिस्ट्री के लिए हमारे पास 10 मार्क्स ही बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था वोल्टेज दबाव जो होता है ये आएगा ही आएगा, आप याद करके जाना, देखिए ये आया, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को खुश्क एथर जो है मैंने ये भी बताया था कि आपको इसकी इक्वेशन तैयार करना है। और इसके अलावा देखिए, ये वन वर्ड में कशदात वाला जो था उसकी तैयारी भी आई है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर क्या हो गए हैं, कवर अप हो चुके हैं। और ये जो लॉन्ग आंसर में था, ये अव्वल दर्जा वाला, बेटा मैंने आप लोगों को बताया था ये आता ही आता है, अव्वल दर्जा तामुल, दुआम दर्जा तामुल। अगर इस बार अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो, न्यू स्टूडेंट्स है, न्यू बैच है, तो प्लीज़ इस 2 टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना, और जितनी जल्दी पॉसिबल होगा बेटा मैं उतनी जल्दी इसकी भी जो है पूरे आंसर को बनाने की कोशिश करूँगी, इसका आंसर दे दूँगी। और सेकंड चीज़, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके, क्योंकि आप लोगों की लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और उर्दू मीडियम के लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्किंग तैयार कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए भी हमारे पास आंसर अवेलेबल है, तो आप लोग विज़िट कर सकते हो हमारे चैनल पर। देखिए, ये जो है सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, आप लोग हमें कोऑपरेट कीजिए, और आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। और टेंशन लेकर के स्टडी मत करो, अगर इनके मान लो अच्छा नहीं भी गया होगा बेटा, तो आप बायोलॉजी का पेपर है, बायोलॉजी की स्टडी स्टार्ट करो अच्छे से, क्योंकि जो हो चुका हम उसको सुधार नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसको तो हम चेंज कर सकते हैं ना। तो आप केमिस्ट्री का अगर मान लो कि अच्छा नहीं गया होगा कोई बच्चों का पेपर, तो वो टेंशन ना ले, क्योंकि आप लोगों का तो 20-30 मार्क्स तो अपना रहता है ना इंटरनल के ऊपर, जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो एटलीस्ट आप लोगों का रिजल्ट अच्छा ही आएगा, बट आप मेहनत करो, ठीक है। कम से कम 3 से 4 साल के पेपर रेगुलर, मतलब ये नहीं हमेशा सॉल्व करते रहो, हर एक सब्जेक्ट के, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस बेस पर पूछा जाता है। और ये जो पेपर बनाया जाता है बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है, हर स्टेज को सामने रखते हुए बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।